मैं यही बात करना चाहूँगी कि लता जी का कौन सा गाना गाऊँ? 36,000 गाने गाए, 36,000 मुझे तो गाने नहीं याद है। जो आपको एकदम दिल से नहीं लग जाए, गले तो सभी गाते हैं। आप कुछ अपने हिसाब से गा दो। अजीब दास्ता है, अपने तरीके से। हाँ अच्छा, वैसे मैं तो बहुत अच्छी सिंगर हूँ ऑफ कोर्स, बट हाँ मैंने सीखा है अनूप जलोटा जी से, थोड़ा सा सीखा है, बट ज़्यादा नहीं सीख पाई हूँ, बट जितना भी सीखा है अच्छा सीखा है। कौन सा गाना गाऊँ? कोई भी आपको अच्छा लगे। वैसे तो मैं कोई भी सुर में कोई भी गाना गा सकती हूँ। आप अपने हिसाब से आप गा दो कुछ अच्छा। आपका जो फेवरेट? अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, न वो समझ सके न हम। राखी जी और कौन सा, और कौन सा, और कौन सा गाऊं? शाहरुख खान के और कौन सा, और लता जी के तो बहुत सारे गाने हैं। शाहरुख जी के साथ बहुत ज्यादा। थाड़ी रहियो ओ बाकी यार रे, थाड़ी रहियो ओ बाकी यार, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। हम लोग मिलके लता जी के लिए गाना गाते हैं। आपको जो अच्छा आता है राखी जी को बीच में आने दो। फोटो बाद में अभी कोई सॉन्ग बताओ भाई। अंसारी साहब आप ही जरा मैं आऊँ। अरे अभी तो गाने चल ही रहे ना, एक मिनट उधर आओ, गाने इधर आओ भाई, पीछे कर रहे हो पीछे जा पीछे जा। ये विशाल वीडियो बनाना अभी क्या सब लोग आ जाते हैं ना, तो मैं क्या गाना भूल जाती हूँ भाई। वैसे मुझे हर गाने याद है। कॉपीराइट ना आ जाए हम लोग को बजा के। कॉपीराइट तो है। राखी जी को सारे उसमें देख लें, लिरिक्स निकाल लीजिए। कोई गाना बता दो भाई, कोई तो बता दो। ये भाई ये नाम गुम जाएगा गाइए। नाम गुम जाएगा क्या बात, अरे गा गा गाना ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, कर याद रहे। लता जी वी लव यू, और हम मरते दम तक हम कभी भी देश की जनता आपको नहीं भूल पाएगी। और जब आप तो अभी स्वर्ग में हो और प्रभु परमेश्वर ऊपर वाला आपको तो जादू की जप्पी दे रहा है। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, हमारी लेजेंड है। हाँ सो और मैं एक जी आप कुछ बोल रहे थे राखी जी, कल जो शाहरुख जी कल गए थे उनको ज्यादा कुछ ट्रोल किया गया है ये बहुत गलत बात है दोस्तों, ये सब नहीं होना चाहिए। शाहरुख जी हमारे बॉलीवुड के लेजेंड हैं, और ये जो आप लोग कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि देखिए वो वहाँ पे जाके दुआ पढ़ के उगते हैं, तो वो आप लोग जो गलत ये जो कर रहे हो ना ये गलत बात है। कोई थुका उका नहीं है उन्होंने, जब नमाज पढ़ते हैं ना, और वो एक हस्ती है, वो हमारी लेजेंड है, तो नमाज पढ़ने के बाद है ना फूका जाता है, फूकने का मतलब है वो दुआ कबूल हुई, तो उनको जन्नत में जगह मिलती है। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब गलत है ना, मत फैलाओ, शर्म करो, बहुत गलत बात है भाई, ऐसा मत करो, जियो और जीने दो।